आज देश भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जहां श्रीनगर के डल झील के किनारे से प्रधानमंत्री मोदी ने योग कर देश और दुनिया को संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ युवाओं ने किया योगाभ्यास, एलजी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी योग दिवस की बधाई, कहा कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा देश दुनिया में योग की यात्रा अनवरण जारी है। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है, योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। योग दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा विश्व के कई बड़े नेता योग की बातें कर रहे हैं, योग के लिए भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी ने योग को लेकर लोगों को किया जागरूक, कहा योग विद्या नहीं विज्ञान है। एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। देशभर में योग का उत्सव, दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी ने लोगों के साथ किया योगाभ्यास। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से साथ किया योगाभ्यास, कहा योग करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया योगाभ्यास, बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता हुए शामिल। दिल्ली में लोगों के साथ विदेश मंत्री अजय शंकर ने किया योगाभ्यास, लोगों से की योग करने की अपील। मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ स्ट्राइक कोर वन में किया योगाभ्यास, सेना के कई अधिकारी हुए शामिल। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया योग, लोगों को योग को लेकर जागरूक करते दिखे अमित शाह। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू किंजराव ने किया योग, लोगों से की योग करने की अपील। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के बीच किया योगा, लोगों को सेहत का दिया संदेश। असम के तीनसुकिया में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया योग, कहा योग से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया योगाभ्यास, कहा योग से आंतरिक शक्ति जागृत होती है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने किया योग, लोगों से की प्रतिदिन योग करने की अपील। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाबा रामदेव की योग साधना, लोगों के साथ किया योगाभ्यास। लखनऊ में भी योग का उत्सव, सीएम योगी ने योग कर देश और दुनिया को दिया संदेश। भोपाल में योग दिवस पर योग का आयोजन, एमपी के सीएम मोहन यादव ने लोगों के साथ किया योग। गुजरात के बांसकांठा में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया योग, सीएम के साथ कई लोग योग करते नजर आए। दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया योग, देश दुनिया को दिया सेहत का संदेश। मुंबई में लोगों के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया योगाभ्यास, लोगों से की योग करने की अपील। देहरादून में भी योग को लेकर दिखा उत्साह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों के साथ किया योग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोगों के साथ किया योग, कहा योग करें स्वस्थ रहें। कांगड़ा में लोगों के बीच योग करते नजर आए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, स्कूली बच्चे भी हुए शामिल।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया योग, लोगों से की योग करने की अपील। हैदराबाद में लोगों के बीच योग करते नजर आए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, लोगों को दिया सेहत का संदेश। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी लोगों के साथ योग करती नजर आई, लोगों से की योग करने की अपील। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने किया योग अभ्यास, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भाजपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने किया योग, लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आधी कैलाश पर जवानों के साथ किया योग, लोगों को दिया सेहत का संदेश। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया योग, कहा पीएम मोदी ने आज दुनिया योग में बना दिया। बेंगलुरु में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने योग कर लोगों को दिया संदेश, कहा स्वस्थ रहने के लिए करें योग। पटना में योग दिवस को लेकर धूम, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने किया योगाभ्यास। केदारनाथ में भी योग दिवस को लेकर धूम, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया योग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने लोगों के बीच किया योग, लोगों से की योग करने की अपील। पणजी में भी गोवा के सीएम प्रमोद सावंत योग करते नजर आए, लोगों को सेहत का दिया संदेश। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी योगाभ्यास किया, कहा योग से शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है। असम में तेजपुर में लोगों के बीच योग करते नजर आए सीएम हेमंत बिस्वा सरमा, लोगों से की योग करने की अपील। जम्मू कश्मीर के डोडा में सैकड़ों लोगों ने एक साथ किया योग, ड्रोन से आई शानदार तस्वीरें। मुंबई में एनसीसी कैडेट्स ने किया योगाभ्यास, डीवाई पाटिल स्टेडियम में सैकड़ों की तादाद में जुटे लोग। मुंबई में बीजेपी नेता शाइना एनसी ने लोगों के साथ किया योग, कहा योग भगाए रोग। शाइना ने योग की महत्वता बताते हुए कोरोना काल का किया जिक्र। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ ने योग दिवस पर पर्यावरण सुरक्षा का दिया संदेश, हाथ में पौधा लिए नजर आए जैकी श्रॉफ, कहा सांस है तभी तक सब कुछ है। ध्यान रख, बाकी कुछ काम का नहीं है। आया सांस था तो, गया सांस गया तो। सांस पे ध्यान रख बेटा, सांस पे ध्यान रख, बाकी कुछ काम का नहीं है। आया सांस था तो, गया सांस गया तो। उधमपुर में एनडीआरएफ जवानों ने किया योगाभ्यास, आपदा प्रबंधन में दक्ष जवानों ने योग से खुद को रखा चुस्त और दुरुस्त। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जवानों की योग साधना, समंदर की उफनती लहरों के बीच आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसेना के जवानों ने किया योग। दिल्ली में नौ सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने योग किया, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी योग करते नजर आए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इंटरनेशनल योगा डे पर बीएसएफ के जवानों में दिखा जोश, जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में किया योग। लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास आईटीबीपी के जवान योग करते नजर आए, योग साधना से लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। दार्जिलिंग में सेना और एसएसबी के जवानों ने किया योग, दुनिया को निरोग होने का दिया मंत्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माइनस टेम्परेचर में आईटीबीपी जवान ने किया योग, हाई एल्टीट्यूड पर योग करने की तस्वीर आई सामने। सिक्किम के मुगुथांग में भारत चीन बॉर्डर पर सेना के जवानों ने किया योग, 15,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस 5 डिग्री टेम्परेचर के बीच योग साधना। ले में इंटरनेशनल योगा डे पर भारतीय थल सेना के जवानों का दिखा दम, जवान जेसीओ ऑफिसर्स योग करते नजर आए। कोलकाता में बीएसएफ जवानों ने योग के जरिए निरोग रहने का संदेश दिया, बड़ी संख्या में जवान और अधिकारी योग कार्यक्रम में हुए शामिल। बीएसएफ ने थार मरुस्थल के प्रसिद्ध समदान जूनस पर
के अभव्य योग जवानों ने एकता और अनुशासन का अद्वितीय प्रदर्शन किया। सेना के जवानों में योग दिवस का उत्साह, पानी में खड़े होकर किया योग अभ्यास। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर इंटरनेशनल योग डे पर बीएसएफ के जवानों का दिखा दम, जवान जेसीओ ऑफिसर्स योग करते नजर आए। विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम, योग दिवस पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बड़ी संख्या में लोगों ने किया सहयोग। लंदन में भी योग दिवस को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, ट्रॉसलगर स्क्वायर में लोगों ने किया योगाभ्यास। ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने योग कर दुनिया को दिया संदेश, तस्वीरें आई सामने। श्रीलंका में भी लोगों ने किया योगाभ्यास, लोगों ने दिया सेहत का संदेश। जर्मनी में लोगों ने योग कर दुनिया को दिया संदेश, तस्वीरें आई सामने। इटली में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम, बड़ी संख्या में योग करते नजर आए लोग। वियतनाम में भी लोगों ने किया योगाभ्यास, लोगों ने दिया सेहत का संदेश। नीदरलैंड में भी लोगों ने योग कर दुनिया को दिया संदेश, तस्वीरें आई सामने। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई तक बेल पर लगाई रोक। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, कहा निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, ईडी कर रही है जमानत का विरोध। सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में बढ़ गई है तानाशाही। केजरीवाल को लेकर बोली पत्नी सुनीता, कहा आशा करते हैं न्याय करेगा हाईकोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन, तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ करेगी ईओयू, एनएच गेस्ट हाउस में बुकिंग से जुड़े होंगे सवाल जवाब। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार पर है आरोप, नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के लिए हाईवे अथॉरिटी के गेस्ट हाउस में बुक कराया था कमरा। आज जिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेगी ईओयू को ईओई की टीम, पेपर लीक से जुड़े सबूत रखेगी सामने। नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, दिल्ली में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, कहा दोबारा कराई जाए परीक्षा। जयपुर में नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, लखनऊ में कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों पर हुआ बल प्रयोग, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में लिया गया, अजय राय ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। लाखों लाख बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, और झूठा योग करा रहे हो, केवल दिखावटी योग करा रहे हो, एक इवेंट कर रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर उनका अवसाद में डाल रहे हो। आज निरोग आदमी रहता क्यों, इसलिए कि भाई आज अंदर से हम ठीक रहे, आज सभी बच्चे आज परेशान हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में नीट पेपर लीक पर कांग्रेस सड़कों पर उतरी, तिरंगे के साथ किया जोरदार प्रदर्शन, हाथों में दिखे परीक्षा में भ्रष्टाचार के प्ले कार्ड। पटना में नीट पेपर लीक पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की। नीट परीक्षा धांधली को लेकर जम्मू में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, किया पुतला दहन।